measure the symphysis fundal height while performing an obstetric examination. तो एक antenatal lady, pregnant lady को हम examine कैसे करेंगे और उसमें भी हम symphysis fundal height पे basically बात करूँगी मैं. Okay, so welcome to the channel. The first thing when you are going to examine, you are going to perform an obstetric examination is some points you have to remember. The first thing is that bladder empty hona chahiye. So you have to ask the lady to empty the bladder. Second thing, if you are a male doctor, please ask the lady to get some lady attendant along with her. तो अगर आप एक मेल गायनेकोलॉजिस्ट हैं या मेल डॉक्टर हैं और आप एक प्रेग्नेंट लेडी को एग्जामिन करने वाले हैं तो आप महिला से कहेंगे कि वो अपने साथ में किसी को लेकर आए, किसी और लेडी को जो आपके साथ खड़े हो जाएगा एग्जामिनेशन करते समय, उसको कहते हैं शेपरॉन. तो शेपरॉन होने चाहिए. और अब तीसरी चीज़ पर आते हैं कि हम पोजिशनिंग कैसे करेंगे पेशेंट की. तो पेशेंट को सीधा लिटाएंगे, बैक डाउन, उसके पांव थोड़े से मुड़े हुए होने चाहिए, हिप जॉइंट पे भी, नी जॉइंट पे भी हल्का सा फ्लेक्स करेंगे और आप पेशेंट के राइट साइड में खड़े होंगे. फिर आप नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है इसके बाद में, हम ऑब्स्टेट्रिक एग्जामिनेशन इंस्पेक्शन से शुरू करते हैं. इंस्पेक्शन के बाद में आता है पैल्पेशन और उसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो है मेजरिंग द सिम्फाइसिस फंडल हाइट. तो उसमें आपको सबसे पहले यूट्रस का डेक्स्ट्रो रोटेशन करेक्ट करना है अगर वो प्रेजेंट है. तो ये बात आपको ध्यान रखनी है. कभी कभी यूट्रस जो होता है वो राइट साइड में रोटेटेड रहता है, रोटेशन समझते हो, रोटेट हो जाता है, साइड की चीज़ ऊपर आ जाती है. तो वो इस तरह से डेक्स्ट्रो रोटेटेड होता है तो हम उसको सेंट्रलाइज करेंगे और उसको होल्ड करके फिर हम सिम्फाइसिस फंडल हाइट मेजर करना चालू करेंगे. ठीक है, एक पॉइंट जो आपको इसमें याद रखना है वो ये है कि 20 वीक्स से लेके 36 वीक्स के बीच में सिम्फाइसिस फंडल हाइट जेस्टेशनल एज के साथ में करस्पॉन्ड करती है. इसका मतलब ये है कि अगर 20 वीक्स जेस्टेशनल एज है तो 20 सेंटीमीटर होती है SFH. तो SFH को हमेशा मेजर करते हैं किसमें, सेंटीमीटर में. तो वंस यू हैव सेंट्रलाइज द यूट्रस, यू आर स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड ऑफ द पेशेंट, तो फिर आप अपना लेफ्ट हैंड लेंगे और आप अपने लेफ्ट हैंड से आपको दिख रहा है कि फंडल कर्व कहाँ तक है उससे थोड़ा ऊपर अपना हाथ रखेंगे और थोड़ा ऊपर अपना हाथ रखेंगे और धीरे धीरे आप नीचे आना शुरू करेंगे. जहाँ आपको फंडस फील होता है वहाँ से ऊपर से नीचे मेजर करते हैं, फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स. यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर. और मेजर जो हम करते हैं सिम्फाइसिस फंडल हाइट वो हम ऊपर से नीचे करते हैं. तो इस लेवल पे हमने देख लिया कि फंडस है तो यहाँ से लेके और प्यूबिक सिम्फाइसिस तक और मिड लाइन में मेजर की जाती है सिम्फाइसिस फंडल हाइट, ये हम मेजर करते हैं. इसका बड़ा इम्पोर्टेंस है पेरीफेरी में जहाँ पर अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर अगर आप सिम्फाइसिस फंडल हाइट मेजर करते हैं और वो करस्पॉन्ड नहीं करती है जेस्टेशनल एज के साथ में, या तो बड़ी होती है या छोटी होती है, तो आप काफ़ी सारी प्रेगनेंसी के जो डिसऑर्डर्स हैं, एनोमलीज हैं, वो डायग्नोज करने में हेल्प कर सकते हैं. तो इसीलिए यू शुड नो द राइट वे. सो यू हैव टू सेंट्रलाइज द यूट्रस एंड देन इन द मिड लाइन फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स इन सेंटीमीटर्स अप टू द प्यूबिक सिम्फाइसिस, अप टू द अपर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस, टेप को रखना है और मेजर करना है. ओके, तो 20 से 36 वीक्स के बीच में ये जो SFH है ये जेस्टेशनल एज से करस्पॉन्ड करता है. पर कब, क्या हर केस में करस्पॉन्ड करेगा, नहीं. उसकी कुछ कंडीशंस हैं, लेडी नॉन ओबीज होनी चाहिए, ओबीज नहीं होनी चाहिए. जो फीटस की लाई है वो लॉन्गिट्यूडिनल होनी चाहिए, मतलब या तो वर्टेक्स या फिर ब्रीच, दोनों में से कुछ भी हो तो चलेगा. तीसरी बात यह है कि फीटस सिंगलटन होना चाहिए, ट्विन प्रेगनेंसी में कैसे करस्पॉन्ड करेगा. और फोर्थ थिंग ये है कि ब्लैडर एम्प्टी होना चाहिए. अगर ब्लैडर भरा हुआ है तो SFH बढ़ जाएगा. तो इसलिए इन चार कंडीशंस के साथ में हम ये कह सकते हैं कि करस्पॉन्डेंस होता है. तो जेस्टेशनल एज के साथ में जो करस्पॉन्ड करता है सिम्फाइसिस फंडल हाइट, उसका एक ग्राफ प्लॉट करते हैं.
ठीक है, अलग अलग जेस्टेशनल एजेस पर, और उसे कहते हैं ग्रेविडोग्राम। सो ग्रेविडोग्राम क्या होता है ये आपको मालूम हो इसलिए बताइए। ये अब्डोमिनल गर्थ है, ये अब्डोमिनल गर्थ है जो मेजर कर रहे हैं, हमेशा अम्बिलिकस के लेवल पे मेजर की जाती है और अब्डोमिनल गर्थ इंचेस में मेजर करते हैं। तो ये जो गर्थ है ये भी बढ़ती है जेस्टेशनल एज के साथ, जेस्टेशनल एज के साथ में करस्पॉन्ड भी करती है, बट इसका बहुत सेंसिटिविटी नहीं है। तो SFH इज़ मोर सेंसिटिव मार्कर टू डिटेक्ट कॉम्प्लिकेशंस इन प्रेगनेंसी। सो दैट वाज ऑल अबाउट द बिगनिंग ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एग्जामिनेशन।